गुंजान आबादी वाले इलाके हैं और कॉरपोरेशन की जानिब से इन इलाकों के बीच हजरत मासूम शाह कुट्टी के सामने एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट प्लांट इस इलाके में बसने वाली आवाम के लिए मौत का सामान है। एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसे महाराष्ट्र भर की तमाम लोकल सेल्फ बॉडी ने और गवर्नमेंट ने नामंजूर कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक लीडरशिप के दबाव में, एक बड़ी लीडरशिप जो नदी के उस पार है, सिर्फ उसके दबाव में मालेगांव सेंट्रल हल्के के रहायशीन और बाशिंदों की सेहत से खिलवाड़ करने की तैयारी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बासर इकतदार गुरूप कर रहा है। हमारा मुकालबा है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट आप शहर के बीचों बीच गुंजान मुस्लिम आबादी के बीचों बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें यह महसूस हो रहा है कि ये उस इलाके के लोगों के साथ सियासी दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है। असेंबली इलेक्शन में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वहां पर बसने वाले लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह सिर्फ हमारा शक नहीं है, यकीन है, क्योंकि माजी में असेंबली इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस के असेंबली के उम्मीदवार ने इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फिरका परस्त कमिश्नर को एक लेटर दिया कि गट नंबर 120, 121, 119 जो संगमेश्वर शिवार में है, ये ग्रीन स्पेस है और ओपन स्पेस है, यहां पर काम नहीं किया जाना चाहिए। आज वहां पर एसटीपी का कायम इसी दुश्मनी की एक सिलसिले की कड़ी है। आज हम यहां पर मेमोरेंडम के जरिए हमारा मुखालों पर दर्ज करने आए हैं। अगर बरसर इकतदार और इंतजामिया हमारी मांगों पर कान नहीं धरता है, हमारी मांगों को कबूल नहीं करता है, तो आज हम उनको यह इंतजाम लेकर जा रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों में आपने गुलशन मासूम पर बनाने वाले एसटीपी पर कोई फैसला नहीं लिया और इस फैसले से इस इलाके के लोगों को बाखबर नहीं किया, तो आने वाले वक्तों में हम एक शदीद तहरीक इस कॉरपोरेशन के बरसर इकतदार ग्रुप और इंतजामिया के खिलाफ चलाएंगे। हम लोग सियासी तौर से नजदीक नहीं है और न हमें इकतदार की लालच है और न हमें सत्ता की लालच है। हम इकतदार और सत्ता की लालच में हमारे लोगों की जानों का सौदा नहीं कर सकते। इकतदार कर रहा है आज पर समय इकतदार शिवसेना के दबाव में ईस्ट का जो पानी है, जो 21.5 रेवेन्यू ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर हमारे लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहा है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडरशिप कभी ये मजलूम हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें रोड़ों पर आना पड़े, सड़कों पर एहतजाज करना पड़े, किसी भी तरीके का शदीद एहतजाज हमको क्यों न करना पड़े, हम हर तरीके के एहतजाज के लिए तैयार है। हम मजलूम नहीं है जो आप लोगों का सुन सहेंगे, हमें हमारे हुकूम के लिए लड़ना आता है और अच्छी तरीके से।
तो आप आने वाले हालात के लिए जिम्मेदार रहिए। नो यार।